एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग कीपिंग क्वाइट लेसन का सेंट्रल आइडिया जानेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। कल मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था, आई होप इसकी आपको समझ में आया है। अगर अभी तक आपने वो हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा तो आप जाएं प्लेलिस्ट में जाएं या इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया है, आप उसे जरूर देखें, जिससे आपको सारे लेसन या लेसन जो है उसकी पूरी हिंदी क्लियर हो जाए। लाइन बाय लाइन मैंने बताया है। और अभी तक आपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता कि सिलेबस चेंज हो चुका है, NCERT बेस्ड हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले लाइन से, क्योंकि इसमें पैब्लो नेरुडा जो इसके राइटर, उन्होंने बताया था इंट्रोस्पेक्ट करने के बारे में, यानी आत्ममंथन, सोच विचार एनालाइज करने के लिए, कि एक इंसान जब अगर दुखी हो, परेशान हो, तो वो कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर बैठे शांति से, और केवल आत्ममंथन करे, एनालाइज करे या इंट्रोस्पेक्ट करे कि उसने क्या खोया है, क्या पाया है, किन लोगों को हार्म दिया है, किन लोगों को प्रॉफिट दिया है, ये सारी चीजें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस पूरे सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया में क्या है कि द ऑथर आस्क, ऑथर कहता है यहां पर, यानी पैब्लो नेरुडा कहते हैं कि द ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ऑल अवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर वाइल, कि ये जो इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी इंसान हैं, उन सभी लोगों से वो एक यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं या एक एड्रेस कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कि इस दुनिया, इस संसार में जितने भी लोग हैं वो कुछ समय के लिए, फॉर वाइल, कुछ समय के लिए अपनी जो वर्ल्डली एक्टिविटी, यानी वो जो अपने लिए या इस दुनिया के लिए या अपने घर परिवार के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए क्या कर दे, स्टॉप कर दे, यानी रोक दे। एंड आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्शन, जिससे क्या हो सके कि फ्यू मोमेंट्स और कुछ देर के लिए वो क्या करें, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी शांत होकर आत्ममंथन करें, सोच विचार करें, एनालाइज करें कि क्या खोया, क्या पाया, किसे नुकसान पहुंचाया, किसे फायदा पहुंचाया। ये सारी चीजें अगर एक इंसान या जितने भी दुनिया में लोग हैं, उन लोग अगर ये इतना करते हैं, कुछ समय के लिए इन सब चीजों को, एक्टिविटी को छोड़ते हैं, तो क्या होगा, इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। अगर ये काम होता है, यानी अगर ये वर्ल्डली एक्टिविटी छोड़कर कुछ समय के लिए शांत होते हैं, एनालाइज करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तो इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, तो इस काम को करने के बाद हमें अपने बारे में, कीप अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, हमें खुद के बारे में कुछ समझ देखनी होगी, या हमें कुछ चीजों के बारे में जो हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, या अपने आप को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इन सभी चीजों के बारे में क्या होगी, एक समझ आएगी। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, यानी हमें खुद को समझने में मदद मिलेगी। वी आर इन ट्रबल बिकॉज, तो हम इस समय परेशानियों में घिरे हुए हैं या असुविधाओं से एकदम पूरी तरह से घिरे हुए हैं, क्योंकि We always remain in hurry and rush, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, हमेशा दौड़ भाग भरी जिंदगी जीते हैं, हमेशा जल्दी से किसी काम को करने या किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, और ये सारी चीजें क्या होंगी, हमें ये काम को करने के लिए बताएंगे कि हमें इन सब काम को जल्दबाजी या दौड़ भाग भरी वाली जिंदगी नहीं जीना है। इसी को कहा गया कि अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, यानी हम खुद के बारे में सोच विचार कर सकें, और उस, क्योंकि हम इसलिए परेशान है क्योंकि हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी, बहुत तेजी से पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। लेट अस विथड्रॉ अवर सेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शन, कहा जा रहा है कि लेट अस, यानी आओ और आज से ही विथड्रॉ अवर सेल्फ, अपने आप को छोड़ दो फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शन, यानी जो भी हम ऐसी चीजें करते हैं जो किसी मतलब की नहीं है, दूसरों के लिए हानि पहुंचाती है, उन सभी कामों को आज से ही हम क्या करते हैं, अपने आप को उन सब चीजों से दूर रख लेते हैं, यानी उन सब अनडिजायरेबल एक्शन से अपने आप को पीछे रखते हैं या उसको छोड़ देते हैं या उससे दूरी बनाते हैं। एंड रिमेन क्वाइट, और शांत हो जाए, रिमेन क्वाइट यानी इन सभी अनडिजायरेबल एक्शंस को छोड़कर हम क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, जिससे क्या होगा कि हर इंसान इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, वो सब क्या आ जाएंगे, इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर एंड
फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट, जिससे क्या होगा कि हम फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी हमारे अंदर दूसरों की भावनाओं को समझने का एक मौका मिलेगा विद डेवलपमेंट, और उससे क्या होगा कि हम एक नई चीज का निर्माण कर पाएंगे। यानी इसका अगर हम कहें कि टाइटल ये क्या है, इसका मेन जो मोटिव है इस पूरे सेंट्रल आइडिया का, तो मेन सेंट्रल आइडिया का मोटिव ये है कि हमें जो हम इतना वर्ल्डली एक्टिविटी करते हैं, यानी हम दौड़ भाग भरी जिंदगी जीते हैं, कभी सोच नहीं पाते कि हम खुद क्या है, हम किसके लिए फायदा पहुंचाते हैं, किसको नुकसान पहुंचाते हैं, ये सारी चीजों से अगर हमें दूर होना है, अपने आप को अगर एनालाइज करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, तो हमें एकदम शांत होकर बैठना होगा और उन सभी अनडिजायरेबल एक्शंस को छोड़ना होगा जो दूसरों के लिए खुद के लिए घातक है, बेकार है। और अगर हम ये काम करते हैं तो हम सभी एक साथ आ जाएंगे और एक दूसरे को समझने की हमारे अंदर भावना उत्पन्न होगी और एक नए निर्माण की कहानी बनना शुरू हो जाएगी। तो ये था आपका कीपिंग क्वाइट का लेसन, सेंट्रल आइडिया, जो बहुत ही कम शब्दों में है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इसलिए एग्जाम में आपके आने के चांसेस भी हैं, इसलिए आप पूरी मेहनत करें, आप अपने जरूर इन दोस्तों को शेयर करें, जिनके पास बुक्स नहीं है वो कोई बात नहीं, वो अपनी पढ़ाई करें। मैं एक एक लाइन लिखता हूँ पोयम पे, जिससे कि आपको लाइन बाय लाइन मैं आपको समझा सकूं। अगर आप बुक खरीदे हैं तो आपके पास बुक में भी जस्ट, क्योंकि पहले क्या होता था कि अलग से सेंट्रल आइडिया हमें लिखनी होती थी, उसके लिए गाइड खरीदनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपकी जो बुक है यानी फ्लेमिंगो बुक है, उस बुक में जो लेसन है, लेसन के ठीक नीचे ही सेंट्रल आइडिया दी गई, उसके बाद पोएम्स की लाइन दी गई है। तो आपको परेशान होने या बिल्कुल डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, भरोसा रखें, विश्वास रखें। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करें, शेयर करें, जरूर दोस्तों को जरूर बताएं। क्लासेस डेली आ रही हैं आपके पास, कल मैं इसका शॉर्ट आंसर कराऊंगा जिससे ये भी लेसन हमारा क्लियर हो जाए। और अभी मैंने अभी तक शुरुआत ग्रामर की नहीं की, ग्रामर की शुरुआत मैं नए सेशन यानी जब हमारा जो पुराने बच्चे हैं जो 12th क्लास के एग्जाम दे देंगे तभी मैं उसकी शुरुआत करूंगा। फिर आज के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू, और प्लीज शेयर, थैंक यू।